बीजेपी और जेजेपी गठबंधन है, जरूरी है या मजबूरी? देखिए विषय वो नहीं है, विषय तो रामकरण काला का मैं समझता हूँ, चूंकि सूरजमुखी सामान्यतः शाहबाद विधानसभा क्षेत्र का ही बड़ा प्रोडक्ट है, दूसरे विधानसभाओं में आसपास के चार पांच विधानसभाओं में थोड़ा होता है, तो हो सकता है उनके ऊपर कोई ऐसा दबाव किसानों का रहा हो सकता है कि एक राजनीति तो है दिखती है उसमें, आज अगर वो नहीं बोलेंगे तो कोई अलनाबाद का या कोई पलवल का एमएलए तो नहीं बोलेगा उसके लिए, न बोलने का बोलेगा, क्योंकि ये विषय सूरजमुखी का सिर्फ वहां है और एक हवा बना दिया गया और वो इन्होंने बनाया हुआ किसी और ग्रुप ने बनाया। गठबंधन जारी है, जारी रहेगा। तीन दिन से जो एक्सरसाइज चल रही है हरियाणा बीजेपी प्रभारी निर्दलीय विधायकों से मिल रहे हैं, उससे एक मैसेज ये जा रहा है कि बीजेपी ने मन बना लिया है कि जेजेपी के साथ गठबंधन लंबे समय तक चलने की स्थिति नहीं है। देखिए संगठन के काम अपनी जगह होते हैं, सरकार के काम अपनी जगह होते हैं, हम सरकार चल रही है चला रहे हैं, कहीं कोई हमको समस्या नहीं है। संगठनात्मक चीजें प्रभारी जो होते हैं वो संगठनात्मक बातों के लिए होते हैं, वो सरकार के लिए नहीं होते हैं। संगठन के निर्णय में उन्होंने क्या करना है, उनके सामने आगे चुनाव है, फिर उसके बाद दूसरा चुनाव है, उसको ध्यान में रख करके कुछ बातें उन्होंने सोची होंगी, विचार की होंगी, तो उसके बारे में कम से कम मैं तो भी कमेंट नहीं कर सकता। मिलना में कोई हर्ज नहीं है, आखिर सबसे मिलते हैं, नहीं मेरे से मुलाकात की तो बहुत सी चर्चाएं होती हैं। नहीं किसानों के बारे में हुई चर्चा, ऐसा नहीं कि नहीं हुई, हमने उनको बताया सारा विषय, हरियाणा के बैकग्राउंड में किसानों का हम क्या क्या कर रहे हैं, ये सारी बातें आज आपको बताई हैं, ये सब बातें उनको कह रहे हैं बार बार मीडिया के सामने, सवाल पूछने चाहिए कि गठबंधन टूट जाना चाहिए और भाजपा को इससे नुकसान हो रहा है, दिल्ली में भी ऐसी बात की गई, चौधरी वीरेंद्र ने भी कहा, सोमदीप सानुआ ने भी कहा, गोपाल कांडा ने भी कहा, आपको नहीं लगता कि आपकी बात ठीक है कि गठबंधन चल रहा है, जो प्रभारी जी आए और देखे था, इस तरह की बातें जो उठेंगी लगातार उठ रही हैं उनसे गठबंधन पर कोई असर पड़ रहा है, मनमुटाव कहीं कुछ नहीं होता, कहीं कुछ नहीं होता, हमारी जब भी मीटिंग होती है हम व्यक्तिगत भी मीटिंग करते हैं, डिपार्टमेंट की मीटिंग करते हैं, कैबिनेट की मीटिंग भी करते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है हमारे यहाँ, किसी डिपार्टमेंट की नहीं है, किसी और चीज की नहीं है। आगे की राजनीति के लिए संगठनों ने कहा, देखिए उनका हमारा जो गठबंधन, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि वो पहले भी हमको चुनाव गठबंधन में थोड़ी लड़े थे, वो तो आवश्यकता, हमारी भी आवश्यकता कहे, उनकी भी आवश्यकता कहे, दोनों की आवश्यकता थी, जनहित में हमको ये सब करना था, हमने किया, इसमें जनता का हित पहली बात होती है, क्योंकि आखिर सरकार में मेजोरिटी एक अपने आप एक सिद्धांत है, तो मेजोरिटी में कोई भी नहीं था, अब कोई नहीं था तो कुछ न कुछ करके मेजोरिटी बनाने के लिए कोई एक अंडरस्टैंडिंग बनी है, उसमें इंडिपेंडेंट भी हमारे साथ है, जेजेपी भी हमारे साथ है, हम संख्या में कुल मिलाकर के 58-59 लोग हैं, केवल अगर 31, अब तो 30 हो गए, 30 कांग्रेस के और एक आईएलडी और एक है एक एक है, बस तो ये 32 लोग हैं जो बाहर हैं, 58 लोग तो हम साथी हैं। पर ये इस तरह की बात निर्दलीय क्या कुछ पाना चाहते हैं सरकार से? मैंने बताया मेरे सामने मेरे साथ कोई ऐसा विषय नहीं हुआ, प्रभारी जी के साथ मीटिंग हुई, उस समय मुझे इसका कुछ पता नहीं है।